हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिस गोस्वामी। आई होप सब लोग ठीक होंगे। सो आज मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने आ चुकी हूँ। जो ब्लॉग है हमारा वो है एनिवर्सरी ब्लॉग, जिसमें मतलब मुझे पिछले साल पता नहीं था कि सासू माँ लोग मतलब हमें पापा की एनिवर्सरी आज के दिन होती है। जब मैं सुबह उठी तो माई ने मुझे बताया कि आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। सो हम ज़्यादा सेलिब्रेट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि पापा यहाँ नहीं है, पापा गए हैं हल्द्वानी। जो मेरे जो जेठ हैं, इट मीन्स जो मेरे ताऊ ससुर हैं, उनके बेटे को चोट लग गई है, देन अभी हल्के वो ठीक हैं, तो पापा वहाँ गए हैं उनके पास। और हम आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, जो भी करेंगे आपको दिखा देंगे। आप सब लोग हमारे साथ व्लॉग में कंटिन्यू रहना। अभी मैं घर पे हूँ, अभी हम मार्केट को निकलने वाले हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। पैसे खर्च करवाने लग गए हैं गोलगप्पे। दियो पैसा पकड़ो। खाओ ये जी। मुझे तो खुलता है नहीं। देखो बस। सो गाइस, अब हम चले गए हैं फुटीज में, जो गाइज, अब हम घर के लिए निकलने वाले हैं। सारी शॉपिंग हो गई है, ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई है, थोड़ा मेरा पेट पूजा हुई और माही की पेट पूजा हुई। एंड अब हम चल रहे हैं घर के लिए निकलने वाले हैं, घर के लिए पैक करवाने आए हैं। ज़्यादा सेलिब्रेशन कुछ नहीं है, एंजॉय करना है। माही कितने रुपए का है ये? 40 रुपीज। झूठ क्यों बोल रहे हो? अरे इधर लिखा भी। हाँ नीचे लिखा, हमारे घर में तो फ्री का मिलता है। मिलता भी तो एक्सपायर है यार, एक्सपायर फ्री में ही तो मिले हो तो पी है इन। तो एक्सपायर नहीं है वो, एक्सपायर ही मिलता है। मैंने उस दिन देखा था, सबका चेक किया था, सारे के सारे एक्सपायर। हमारी दुकान में सारी कोल्ड ड्रिंक एक्सपायर थी, तो आप हमारी दुकान में किसी को जाने को बोलोगे या नहीं? मत जाना। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जाएगा। चलो ठीक है, मम्मी और भाभी या दादा, मेरी फैमिली में से कोई भी देखेगा ना तो ये प्यारे से चेहरे के अंदर इतना बड़ा खोट घुसा है, देख लेना। सो गाइस, अरेंजमेंट हमने कर लिया है और क्या कहते हैं, सारी चीजें लगा दी हैं हमने। बस अब मम्मी का आने का वेट है, और मम्मी को शायद पता नहीं है कि हम लोगों को पता है कि उनकी एनिवर्सरी है। तो हाँ, सुबह से हमारा प्लान चल रहा था, अभी उनको कुछ पता ही नहीं है। मम्मी की एनिवर्सरी है क्या? देखो इसको ही पता नहीं, कोई नहीं पता है। किसी को नहीं पता है। अब मुझे भी पता नहीं था, माही ने मुझे चार पांच दिन पहले बताया था। सो मैंने तो आज उन्हें साड़ी चाहिए थी, मैंने उनके लिए उनके लिए गिफ्ट मंगा रखा है, क्योंकि पापा है नहीं यहाँ पे तो उतने अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे नहीं हम। पापा हल्द्वानी गए हैं कुछ जरूरी काम से, तो आज थोड़ा सा सेलिब्रेशन, अगला एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, क्योंकि इस बार पापा की भी तबीयत थोड़ी सी खराब है और पापा घर में भी नहीं है। एंड पापा जब इस ब्लॉग को देखेंगे, मेरे पापा लव यू सो मच एंड मिस यू रियली रियली सो मच। चलो आते हैं, मिलते हैं पापा के भी।
यह है काफल, यह है मोमोज जो मैंने घर लाके फ्राई किए सबके लिए, और इन सब में स्प्राइट सबके लिए स्प्राइट है, चटनियाँ मेयोनीज सब रखी पड़ी है। ये हमारी मोहतरमा जो जिसका ग्रेड सिर्फ मुझे जाता है, आए बड़े, और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई, और ये ब्लॉगर, और ये देसी ब्लॉगर। तो मिलते हैं मम्मी आने के बाद। हेलो, तो गाइस मम्मी यहाँ पे आ चुकी है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, किसी इनको पता ही नहीं है बोल रहे हैं। हमने पता था तुम्हें एनिवर्सरी है करके, मेरे को तो पता ही था, पापा तो यहाँ नहीं थे तभी तो ज्यादा कुछ नहीं लाए। ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई है तुम्हारी बहू रानी, दो तो प्लीज ओपन द गिफ्ट बॉक्स, पापा आ जाएंगे। थैंक यू बाबू, ये गिफ्ट है आपका, नहीं मनाया आज 28 पूरे। अब हमें पता ही हमें पता ही नहीं था तो कैसे मनाते बताओ। एक गिफ्ट है आपका, ठीक है, इसमें स्प्राइट है, ये भी पियो, एक एक पकड़ो और सब मोमोज भी खाओ। चलो 28 साल बाद बनाया गया, चलो आगे मम्मी को खाने दो। चलो भैया ये चार वाला दे दो, मैं जाओ मैं बनाऊंगी। पहले काफल खा लो, काफल नहीं खाओ पहले, ये वाला है आपको। ये क्या है? ये स्प्राइट दे रहा हूं। तेरो जुगल। चीयर्स। अरे खा को चीयर्स लगा दे ले। चीयर्स चीयर्स। सो गाइस पार्टी चल रही है, गाइस पार्टी चल रही है यहाँ पे, काफल विद कापल, आप खा लो। खाओ थोड़ा सा, कैसे हो रहे? ए चोरो, पीछे से चोर रहे ना, बहुत कुछ चोर रहे होंगे दोनों। आ जाओ चलो, इनका अब आप भी खा लो, अब इनको खाने के बाद। सो गाइस पार्टी हो गई है पूरी, अब जैसे बर्तन धोके लाएंगे वहीं आप धोओगे ना, क्यों मैं अच्छा नहीं धोता तो मैं ये बर्तन धोऊंगा। गाइस इनके कहने का ये मींस है कि आज नहीं, ऐसे नहीं, वो क्या बोलते हैं, मतलब हमारा दिन क्यों नहीं आता है, उनको बोले है तो लड़कियों का दिन आता है, हम क्या रंड में मरेंगे क्या। इन्हें बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है मेरे बड़े देवर को, बहुत मतलब मेरे को रोना नहीं, संभाल भाई अपने आप को। चलो ठीक है फिर गाइस, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइस अब खाने की बारी आ चुकी है, और सबके घर में ये सीन होता है कि दो टाइप के लोग जरूर होते हैं, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। सो यहाँ पे वेजिटेरियन लोगों के लिए ये पनीर है जो मार्केट से लेके आए थे हम, पहले से ही प्रीपैक्ड गरम किया है हमने, और नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए ये चिकन है। तो हम तीन अभी फिलहाल नॉन वेज वाले हैं, और दो मेरी सासू माँ को वैसे पता नहीं है कि आज सब्जी बनी क्या है, तो चने की सब्जी बनी है। हाँ, ये पता नहीं है, अभी वो रोटी लेके आने वाली है, चख रहे हैं, बहुत टेस्टी बनाया है। किसकी शॉप से लिया था हमने? जायका से। जायका जानते होंगे आप लोग, खटकना पुल के पास है, जाइए, बहुत बढ़िया सर्विस है उधर, हमें भी ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, 10 मिनट में उसने प्रिपेयर करके दे दिया तुमको ना। हाँ, फिर अभी मिलते हैं, अभी सासू माँ मेरी रोटी बना के लेके आने वाली है, फिर खाते हैं साथ में और उनका रिएक्शन देखते हैं। ये चिकन उनका फेवरेट है, इसने चिकन लाए मिस्टर माही मेरे प्यारे से, आपसे फिर मिलती हूँ। राहुल मोहित आ जाओ भाई, आ बाबू पनीर सीखी चिकन सी हो, ये चिकन है मैंने डाल दिया है उसमें, ये वाला पनीर है मेरे ही में खोलो। हाँ ये कढ़ाई करी है तुम्हारा ही है, मेरे लिए थोड़ा ही डालना है। मेरे पनीर कौन ये चाहिए?
सो गाइस हम सब ने खाना खा लिया है क्योंकि सासू माँ को जो है चिकन बहुत ज्यादा पसंद है। सो हम चिकन भी लाए थे और मेरे लिए और मेरे बड़े वाले देवर पीके के लिए पनीर भी आ रखा था। और सासू माँ का गिफ्ट था ये साड़ी। ये साड़ी का अनबॉक्सिंग वीडियो मैं बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो डालूंगी, आप लोग देखना। और मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप लोगों को ये परचेस करनी होगी तो आप मेरे लिंक पे जाना और उसे ले लेना। और पापा के लिए भी लिया है कुछ जो अभी तक आपको दिखाया नहीं था, मैं अब दिखा रही हूँ। ये भी मैंने ऑनलाइन ही शॉपिंग करी है। इसकी भी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं डाल दूंगी अपने चैनल पे और लिंक भी दे दूंगी, आप लोगों को अच्छी लगे तो ले लेना। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आप इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।